बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कारी मोहम्मद रफीक सिटी पब्लिक स्कूल से। इस वक्त आज आपके सामने सूरह अहज़ाब उसका रुकू नंबर 4 जो है ये 10th क्लास के लिए लेकर आ रहा हूँ। इससे पहले हम सूरह अहज़ाब के 3 रुकू कर चुके हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है 10th के इस्लामिया लाजमी के हवाले से। उसी तरीके से हम करेंगे, मशकी सवाल 2 हैं इसमें, आखिर में उन पर भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे इस रुकू की। तो ट्रांसलेशन के लिए अजीज तलबा आप अपनी अपनी बुक्स अपने सामने रख लें, चौथा रुकू सामने निकाल लें। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करना शुरू कर रहा हूँ। और पहली आयत का तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबरें देने वाले, कुल फरमा दीजिए, ले अज़वाजी का अपनी बीवियों से, इन कुंतुन्ना तुरिदन हयात दुनिया, कि अगर तुम्हारा इरादा दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत का है, वज़ीनतहा दुनिया और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत का अगर तुम्हारा इरादा है, फ़ताअदाई तो बस तुम सारी की सारी आ जाओ, उम्मते कुन्ना मैं तुम्हें खूब माल दौलत दूंगा, मौसरे कुन्ना सराहन जमीला लेकिन फिर अपने पास नहीं रखूंगा, फिर तुम्हें अच्छे तरीके से रुखसत कर दूंगा। तो बामावरा तक क्या बन गया इसका, या यो नबी हो, ऐ खबरें देने वाले अपनी बीवियों से फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारा इरादा दुनिया का और या दुनिया की खूबसूरती का इरादा है तो फिर आप लोग आज सारी की सारी, मैं तुम्हें खूब माल दौलत दे दूंगा लेकिन फिर अपने पास नहीं रखूंगा, फिर रुखसत कर दूंगा। और आगे क्या फरमा रहे हैं, उन तुन्ना दूसरी आयत का तर्जमा देखिए, और अगर तो इन अल्लाह व रसूलहू, अगर तुम्हारा इरादा अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का है, वदर अल आखिरा और आखिरत को संवारने का इरादा है, फइन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला अअदा लिल मुहसनात मिनकुन अजरन अजीमा, तो अल्लाह ताला ने तुम में से जो नेकोकार हैं उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। तीसरी आयत देखिए, या निसा नबी, ए नबी की बीवियों, तुम में से जो भी आएगी बेफाहिशत मुबैनत इस तरह के अल्फाज बोलेगी, जो अजाब फाइन तो उसके लिए अजाब को दुगना कर दिया जाएगा। और वकान अजाबी का अल्लाह यसीरा, इट इज वेरी इजीएस्ट फॉर अल्लाह, यानी अल्लाह के लिए ऐसा करना बड़ा ही आसान है। अगली आयत को देखें, वमैन यकनुत मिनकुन्ना, और तुम में से जो कोई फरमा बरदारी करती रहेगी, लिल्लाहि व रसूलिही अल्लाह की और उसके रसूल की फरमा बरदार बन के रहेगी, वताअत सालिहन और नेक अमल करती रहेगी, नोतिहा अजर मरतैन तो हम उसका अजर भी उसको 2 मरतबा देंगे, वआतना लहा रिज़्कन करीमन तो हमने ऐसी बीवियों के लिए ऐसी औरतों के लिए इज्जत वाला रिज़्क तैयार कर रखा है। या निसान नबी, इसे अगली आयत को देखिए, या निसान नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुम नकाहत मिनन निसाए, पूरी दुनिया में तुम्हारे मुकाबले की कोई औरत नहीं है। और आगे क्या फरमाया, इन्हीं तक ही तुम ना, अगर तुम परहेजगार इसी तरह रहना चाहती हो जिस तरह आज तुम यूनिक को सारी दुनिया से हटके हो, अगर तुम इसी तरह परहेजगार रहना चाहती हो, फला तहता ना बिन काओ तो फिर तुमने नर्म लहजे में बात नहीं करनी, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि जब किसी वो गैर महरम के सामने नरम लहजे में बात करोगे तो उसके दिल में क्या होगा, हो सकता है कि लालच पैदा हो जाए, इसके दिल में फयत माला दी फिकल नहीं मारा दम, ऐसे आदमी के दिल में जिसके दिल में कोई मर्ज है, कोई इस तरह का गंध है, कोई विलासत है, उसके दिल में कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। वकुल नकौला मालफा, तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ जरूरत की बात करनी है, फालतू बात ही नहीं करनी। वकर हाफी बलूते कुन्ना, और ए नबी की बीवियों, अपने घरों में ठहरी रहना, वला तबावज ना तबावज जाहिलियत अलूला, और जहालत वाला बनाओ श्रृंगार करके बाहर नहीं निकलना, वाकिम नसलाता
पक्की नमाजी बन जाओ, आती न जकात, जकात अदा करने वाली बन जाओ, आते न रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाली बन जाओ, इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह का इरादा तो सिर्फ इतना है ये सारी बातें करने का, कि लियुज़हिबान को मुरिस, कि वो तुमसे नापाकी को दूर करना चाहता है, अहल बैत ए नबी की घर वालियों, वो ये तहीरतुन तहिया, और वो तुम्हें ऐसे पाक करना चाहता है जैसे पाक करने का हक है। वस्कुरना, और याद रखो, मायुकलाबी बयुते कुन्ना, तुम्हारे घरों में जो आयात नाज़िल हो रही हैं उनको याद रखा करो, बल हिक्मा, और हिक्मत और दानाई की बातें, यानी अल्लाह के प्यारे नबी के फरमानदार जो हैं उनको भी याद रखा करो, इन अल्लाह खाना लतीफा हमीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को बड़ी बारीकी से देख रहा है। लीजिए, आपकी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई, बार बार सुनेंगे, बुक को सामने रखेंगे, आपकी आसानी हो जाएगी। कापियों के ऊपर आपने हर आयत का नंबर देना है, रुकू का नंबर देके आयत का नंबर देना है, आयत का तर्जमा लिखना है, फिर नई आयत का नंबर देके नई आयत का तर्जमा लिखना है, इस तरीके से आपने आयतों का तर्जमा लिखना है जो मुझसे सुना आपने। और सेकंड, आगे चलेंगे तो आपको इसी जो है वो सबक के पेज नंबर 25 के ऊपर आपको मुख्तस ये जो नजर आएंगे वर्ड मीनिंग्स, तो आपने वर्ड मीनिंग्स भी तैयार करने हैं, इनको सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है। और आगे चले मश्क के ऊपर, मश्क में दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल यह है कि अज़वाजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन दो बातों में से एक बात इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, तो ये पहली आयत में इसका जवाब मौजूद है कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया कि अपनी बीवियों को फरमा दो कि अगर तुम्हारा इरादा दुनिया और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है तो आ जाओ, मैं तुम्हें मान दौलत देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि फिर तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा, फिर तुम्हें रुख्सत कर दूंगा। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हारा इरादा अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखने का है तो फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, तुम्हें अल्लाह इज्जतें भी अता करेगा, तुम्हें अजर भी दुगने अता करेगा। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरे सवाल का जवाब, अज़वाज मुतहरात को कौन से अहकाम जो है वो बयान किए गए हैं, तो ये लास्ट आयत के अंदर है कि या निसा नबी लस्तुन काहदमिन निसा, यहां से लेके एंड तक ये सारे अहकाम हैं जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। इसको जवाब में आपने यूं लिखना है कि अज़वाज मुतहरात के लिए जो अहकाम बयान हुए उनमें से पहली बात यह है कि नबी की बीवियों तुमने अपने घरों में रहना है, बाहर जहालत वाला बनाव सुधार करके बाहर नहीं निकलना, और नमाज की पाबंदी करनी है, ज़कात अदा करनी है, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करनी है। और आगे फरमाया कि तुम्हारे घरों में जो अल्लाह के आयतों का नज़ूल होता है उनको याद रखना है, उन पर अमल करना है, और उसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब की बातों को याद रखना है। ये वो अहकाम थी जो इस सबक के अंदर अज़वाज मुतहरात के लिए नाज़िल हुए। और आगे तीन आयतें दी गई हैं, आप आयत का नंबर लिखें आयत नंबर एक और उसका नीचे तर्जमा लिखते हैं, सुन्ना का आदमी ने निसा, पहली आयत ये दी गई है कि नबी की बीवियों तुम्हारे मुकाबले की कोई औरत पूरी दुनिया में नहीं है। आयत नंबर दो, आयत लिखने की अरबी लिखने की जरूरत नहीं है। आयत नंबर दो का तर्जमा लिख दें कि वक्त आप कुन्ना, और तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो। आयत नंबर तीन लिख दें और उसका तर्जमा क्या लिखेंगे, वाला तबाहुना तबाहुल जाहिलियत उला, के जहालत वाला तुम लोगों ने बनाव सुधार करके बाहर नहीं निकलना। इन दिस वे कंप्लीट योर फोर्थ, आपका ये चौथा रुकू जो है इस्लामी अकादमी का, ये सूरत अहज़ाब का ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अगले रुकू के साथ आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।